हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे मासेकर सीरीज की पांचवी फिल्म दी टेक्सास चेनसो मासेकर, जो कि सीरीज का रीबूट या रीमेक है। इसे रिलीज किया गया था 2003 में, पिछली फिल्म से ठीक 9 साल बाद। और शायद ये पहली बार था जब इतनी बड़ी हॉरर फ्रेंचाइजी को रीबूट करने का रिस्क लिया गया था। लेकिन ये रीमेक सुपरहिट हुआ और इसकी सक्सेस को देखते हुए कई सारी मेजर हॉरर फ्रेंचाइजी के रीबूट निकाले गए और ये सिलसिला आज भी जारी है। 2006 में इस मूवी का प्रीक्वल भी रिलीज किया गया था, जिसमें इस पार्ट से पहले की कहानी दिखाई गई थी। और आप जानते हैं कि मैंने पहले उसी मूवी को एक्सप्लेन किया है, तो आप पहले उस पार्ट को जरूर देखें, नहीं तो आपको इस मूवी की कहानी में कुछ चीजें समझ नहीं आएगी। जैसे कि थॉमस लेदरफेस कैसे बना, उसकी फैमिली इंसानों को क्यों खाती है, होइट पुलिस वाला क्यों है और मोंटी की टांगे कैसे कटी। उस वीडियो और पिछले सभी पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को बिना किसी देरी के, और मूवी से जुड़े कुछ कमाल के फैक्ट्स को जानने के लिए भी वीडियो एंड तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत ठीक पहले पार्ट की तरह ही एक क्राइम सीन फुटेज दिखाने से होती है और हमें एक नरेशन सुनने को मिलता है। हम दो पुलिस ऑफिसर को ह्यूविट हाउस में देखते हैं, जिसके बेसमेंट में इन्हें कुछ इंसानों के नाखून, हेयर और बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। इसके बाद ये कहानी जाती है कुछ समय पीछे 1973 में। हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि टेक्सास से होते हुए एक कॉन्सर्ट अटेंड करने जा रहे हैं। इनके नाम है एरिन और उसका बॉयफ्रेंड कैंपर, मॉर्गन एंडी और उसकी गर्लफ्रेंड पेपर। पेपर एक हिचहाइकर है जिससे ये एक दिन पहले ही मेक्सिको में मिले थे, और मेक्सिको से ये लोग एक और चीज लेकर आए थे, ढेर सारा गांजा। और ये बात एरिन को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन कैंपर उसे मना लेता है और अपनी वेन को टारजन समझकर उसे किस करने लगता है, जिससे एक हिचहाइकर लड़की मरते मरते बचती है। एरिन और पेपर उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो लड़की बस चलती ही जा रही थी। इसके बाद वो दोनों वेन से उतरकर उस लड़की के पास जाती हैं और वो लड़की अपने आप से ही बातें कर रही थी। वो कहती है कि वो अपने घर जाना चाहती है और एरिन उसकी मदद करने के लिए उसे लिफ्ट देने का डिसाइड करती है और उसे अपनी वैन में बैठा लेती है। लेकिन कुछ देर बाद ये लड़की रोने लगती है और कहती है कि वो सब मारे गए और वो एक बहुत बुरा इंसान है। इसके बाद ये चिल्लाती है कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं और कैंपर वैन रोक लेता है। वो कहती है कि वो वापस उस नर्क में नहीं जाना चाहती और तुम सब भी मारे जाओगे। इतना कहकर वो अपने पास से एक गन निकालती है और अपने मुंह में रखकर शूट कर लेती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सभी लोग ये नजारा देख बुरी तरह शॉक में थे और वैन के बाहर निकलकर उल्टियां कर रहे थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस लाश का क्या करें। वो लोग पुलिस में भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उनकी वैन में गांजा रखा हुआ था। अब ये सुन कैंपर उस गांजे को निकालकर बाहर फेंक देता है। इसके बाद ये डेड बॉडी लेकर पास के ही एक गैस स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ की स्टोर ओनर लूडा को पुलिस बुलाने को कहते हैं। लूडा पुलिस से बात कर इनसे कहती है कि इन्हें डेड बॉडी लेकर पास की ओल्ड मिल तक जाना होगा और शेरिफ इनसे वही मिलेगा। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शेरिफ खुद यहाँ क्यों नहीं आ सकता, लेकिन क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं था तो वो जंगल के रास्ते होते हुए उस ओल्ड मिल तक पहुँच जाते हैं। पर वहाँ पर कोई शेरिफ नहीं आया था और वो जगह सुनसान थी। ये सुन मॉर्गन कहता है कि उन्हें इस डेड बॉडी को यहीं छोड़कर इस लफड़े से बाहर आ जाना चाहिए, और एंडी भी इससे सहमत होता है। लेकिन कैंपर को ये सही नहीं लग रहा था। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? आखिर में कैंपर भी डेड बॉडी फेंकने को मान ही गया था, लेकिन एरिन कहती है कि उस लड़की की भी कोई फैमिली होगी और वो उसे यहाँ फेंक कर नहीं जा सकते। इसके बाद वो शेरिफ का वेट करने लगते हैं और उन्हें मिल में कोई भागता हुआ नजर आता है। अंदर जाने पर उन्हें एक गंदा छोटा लड़का मिलता है जिसका नाम जेडिडाया है। जेड इन्हें बताता है कि शेरिफ दारू पीकर अपने घर में पड़ा होगा। उसका घर पास में ही है, लेकिन वहाँ पैदल ही जाया जा सकता है। मॉर्गन फिर से कहता है कि अगर शेरिफ को कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमें भी ये बॉडी फेंक कर चले जाना चाहिए। कहा था भाई? अरे मैं सुन चुका हूँ यार। इसके बाद एरिन और कैंपर शेरिफ के घर के लिए निकल पड़ते हैं और एक घने जंगल से होते हुए ह्यूविट हाउस पहुंचते हैं। इस हाउस में इन्हें कोई शेरिफ नहीं मिलता और एक बूढ़ा आदमी व्हीलचेयर पर बाहर आता है। ये मोंटी है और हम जानते ही हैं कि इसकी दोनों टांगे कैसे कटी। मोंटी कहता है कि जेड ने उनसे मजाक किया होगा और वो लोग चाहें तो उसके टेलीफोन से शेरिफ से बात कर सकते हैं, लेकिन कैंपर को बाहर ही रहना होगा। मोंटी शेरिफ की बात एरिन से करवाता है और उसे बताया जाता है
है कि शेरिफ आधे घंटे में ओल्ड मिल पहुंच जाएगा। इसके बाद एरिन को मोंटी की आवाज आती है, वो व्हीलचेयर से गिर गया था और एरिन उसकी मदद करने लगती है। असल में मोंटी बस एरिन का टाइम वेस्ट कर रहा था। काफी देर होने पर कैंपर भी घर के अंदर जाता है। वो एरिन को ढूंढ ही रहा था और अचानक ही लेदर फेस पीछे से आकर उसके सर में एक हथौड़ा मार देता है, जिससे कैंपर की मौत हो जाती है और लेदर फेस उसकी बॉडी को घसीटकर अपने बेसमेंट में ले जाता है। जब एरिन बाहर आती है तो उसे कैंपर वाहन नहीं मिलता। उसे लगता है कि वो ओल्ड मिल पर चला गया होगा, तो वो भी वहाँ से निकल जाती है। इधर मिल पर एक पुलिस कार आकर रुकती है, जिसमें से शेरिफ होयट बाहर निकलता है। होयट उस डेड बॉडी को एक पॉलीथीन से रैप कर अपनी कार की डिग्गी में रखवा देता है और होयट अपनी हरकतों से पुलिस वाला नहीं लग रहा था। होयट उस बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। एरिन वापस मिल पर आती है, लेकिन उसे कैंपर यहाँ भी नहीं मिलता। इसके बाद ये कैंपर को ढूंढते हुए मिल के पीछे जाते हैं, जहाँ कई सारी गाड़ियाँ पड़ी हुई थी। इन्हें यहाँ कुछ इंसानों के दांत भी मिलते हैं, जिन्हें देखकर ये डर जाते हैं। मोंगर को कार से एक फैमिली फोटो मिलती है और ये उसी लड़की की फैमिली थी जो इन्हें रास्ते में मिली थी। एरिन को यकीन था कि कैंपर उसी घर में है और वो और एंडी वापस ह्यूबिट हाउस जाते हैं। एरिन मोंटी का ध्यान बटाती है और एंडी घर के अंदर जाकर कैंपर को ढूंढने लगता है। वो यहाँ के किचन में भी जाता है, जहाँ बहुत सारा मीट लटका हुआ था। यहाँ एंडी गलती से एक बॉक्स गिरा देता है, जिसकी आवाज सुन एरिन भागते हुए अंदर आती है, ये देखने कि वो ठीक है। लेकिन मोंटी को इन दोनों का यहाँ घुसना पसंद नहीं आता। वो अपनी छड़ी को फ्लोर पर मारने लगता है, जो कि एक सिग्नल था बेसमेंट में बैठे हुए लेदर फेस के लिए। लेदर फेस चेंसो लेकर ऊपर आता है और वो एंडी पर हमला कर देता है और एरिन वहाँ से भाग जाती है। एंडी भी किसी तरह घर से निकल जाता है, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और लेदर फेस उसका एक पैर काट देता है और उसे उठाकर वापस अपने घर के बेसमेंट में ले जाता है और एक मीट हुक पर लटका देता है। एरिन भागती हुई ओल्ड मिल आती है और वेन में बैठ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वेन स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी यहाँ शेरिफ होयट भी आ जाता है और एरिन उसे लेदर फेस के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन होयट वेन में पड़ी वीड देख लेता है और तीनों को जमीन पर लेटने को बोलता है। इसके बाद वो कुछ गन फायर कर उन्हें और भी ज्यादा डराता है और पेपर तो जिंदा रहने की सारी उम्मीद खो बैठती है। इधर लेदर फेस कैंपर के चेहरे की खाल उतार लेता है और उसका अपने लिए एक फेस मास्क बना लेता है। इसके बाद वो अपना पुराना लेदर मास्क निकालता है और हमें पहली बार लेदर फेस का फेस रिवील देखने को मिलता है। उसका फेस स्किन कंडीशन के कारण भयानक लग रहा था। इधर होयट उस हिचहाइकर के मर्डर का इल्जाम इन लोगों पर ही लगा रहा था। वो मॉर्गन को वैन में बैठाकर उससे पूछता है कि उस लड़की ने अपने आप को गोली कैसे मारी। वो मॉर्गन को भी वैसे ही बंदूक रखने को बोलता है, लेकिन मॉर्गन किसी तरह हिम्मत कर वो गन होयट पर ही पॉइंट कर देता है। वो उसे शूट भी करता है, लेकिन गन में कोई गोली ही नहीं थी और होयट ने उसे खाली बंदूक ही पकड़ाई थी। अब पुलिस वाले को मारने की कोशिश के जुर्म में होयट मॉर्गन को अरेस्ट कर वहाँ से ले जाता है। बोयरिन की वैन की चाबी भी अपने साथ ले जाता है और रेडियो से अपने नेफ्यू लेदर फेस को भी इन्फॉर्म कर देता है कि ओल्ड मिल पर अब बस दो लड़कियां ही बची है और वो वहां जाकर उनका किस्सा भी खत्म कर दे। होयट मॉर्गन को लेकर ह्यूबिट हाउस पहुंचता है और उसे बुरी तरह से पीटता है। इधर एरिन वायर से वैन स्टार्ट करने की कोशिश करती है और उसमें कामयाब भी हो जाती है, लेकिन किसी ने उस वैन के टायर्स पहले ही निकाल दिए थे और तभी लेदर फेस इनकी वैन पर अटैक कर देता है। पेपर वैन से निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेदर फेस उसे पकड़ लेता है और अपनी चेंसों से उसे काट देता है और पेपर भी मारी जाती है। एरिन देखती है कि लेदर फेस ने कैंपर का चेहरा पहना हुआ था। एरिन तुरंत जंगल में भागने लगती है और लेदर फेस उसका पीछा करता है और कुछ झाड़ियाँ काटने में बिजी हो जाता है। भागते भागते एरिन एक ट्रेलर तक पहुँचती है, जिसके अंदर थी टी लेडी और उसकी बेटी हेनरिएटा। एरिन उन्हें लेदर फेस के बारे में बताती है, लेकिन उन दोनों को लेदर फेस का कोई डर नहीं था, बल्कि वो उसे एक मासूम बच्चा बता रही थी। वो दोनों एरिन को चाय पिलाती है। एरिन उनसे टेलीफोन का पूछती है, लेकिन वो कहती है कि यहाँ कोई फोन नहीं है। इसके बाद हेनरिएटा अपने बच्चे को चुप कराने जाती है। एरिन की नज़र यहाँ रखे हुए कुछ फोटोज पर जाती है, जो कि उसी लड़की की फैमिली की थी, और एरिन को समझते देर नहीं लगती कि ये बच्चा उसी लड़की का था जिसे इन्होंने लिफ्ट दी थी और उसकी पूरी फैमिली को इन लोगों ने मार डाला होगा। तभी यहाँ का फोन भी बजने लगता है और इनका एक और झूठ पकड़ा जाता है। एरिन चिल्लाती है कि ये बच्चा उसका नहीं है, बल्कि उसने चुराया है। लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। एरिन पर इनकी चाय का असर होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। ये दोनों औरतें भी ह्यूबिट फैमिली से मिली हुई थी।
एरिन को सीधा ह्यूविट हाउस में होश आता है और हम इस पूरी फैमिली को एक साथ देख पाते हैं, जिसमें शामिल है लूडा, उसका भाई मोंटी, लूडा का बेटा होइट, उसका चुराया हुआ बेटा लेदरफेस और उसका पोता जेड। और जेड को भी इन लोगों ने किसी फैमिली से चुराया ही होगा। जेड को रात भर घर से बाहर रहने की सजा दी गई थी क्योंकि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया था। वहीं जेड बाहर से चिल्ला रहा था कि वो एरिन को चोट ना पहुंचाए क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है। लेदरफेस एरिन को बेसमेंट में बंद कर देता है, जहां उसे हुक पर लटका हुआ एंडी मिलता है। एरिन एंडी को हुक से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो गलती से उस हुक को और अंदर घुसा देती है। एंडी कहता है कि वो इस पेन को और ज्यादा नहीं सह सकता और एरिन उसे जान से मारकर उसे इस मिजरी से मुक्त कर दे। एरिन एक चाकू लेकर आती है और उसे एंडी के दिल में मारने की बजाय उसके पेट में घुसा देती है, जिससे एंडी को और ज्यादा दर्द होता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद एरिन को मॉर्गन भी मिलता है, जो बुरी तरह से घायल था और उसे हथकड़ी भी लगी हुई थी। तभी यहाँ जेड भी आ जाता है। वो एरिन को बचाना चाहता था और वो उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का एक सीक्रेट रास्ता दिखाता है और एरिन मॉर्गन को लेकर उसके पीछे चल देती है। वहीं लेदरफेस फ्लोर के ऊपर से ये सब देख रहा था और वो अपनी चेनसो लेकर इनके पीछे पड़ जाता है। जेड उन दोनों को बेसमेंट से बाहर निकलवा देता है और भागते हुए वो एक पुरानी बिल्डिंग में जाकर छुपते हैं। एरिन मॉर्गन को एक अलमारी में छुपा देती है और खुद भी छुप जाती है, लेकिन लेदरफेस एरिन को ढूंढ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। ये देख मॉर्गन बाहर निकलकर एरिन को बचा लेता है, लेकिन खुद नहीं बच पाता। लेदरफेस उसे एक झूमर पर लटका देता है और फिर अपनी चेनसो से उसके दो टुकड़े कर देता है। ये देख एरिन फिर से वहाँ से भागती है और लेदरफेस उसका पीछा करता है, लेकिन एक फेंस पार करने में लेदरफेस गिर जाता है और उसकी चेन से उसी के पैर में जा लगती है, जिससे उसका पैर थोड़ा कट भी जाता है। और ठीक ऐसा हमने पहले पार्ट में देखा था, एरिन रोड तक पहुँच जाती है, लेकिन कोई उसकी मदद को रुकने के लिए तैयार नहीं था। एरिन फिर से भागते हुए एक मीट प्लांट में जाती है और एक मीट फ्रीजर में जाकर छुप जाती है, लेकिन लेदरफेस उसे वहाँ भी देख लेता है। इसके बाद एरिन डरने की बजाय लड़ने का मन बनाती है और एक क्लीवर उठाकर फिर से लोकर में छुप जाती है। और जब लेदरफेस वहाँ से गुजरता है तो वो उस पर अटैक कर देती है। वो क्लीवर से लेदरफेस का एक हाथ काट कर अलग कर देती है, जिससे लेदरफेस को बहुत दर्द होता है। एरिन भागते हुए एक रोड पर जाती है और उसके पास से एक ट्रक आकर रुकता है, जो कि एरिन को लिफ्ट देने के लिए अपने ट्रक में बैठा लेता है। वो एरिन को लूडा के गेस्ट स्टेशन ले जाने लगता है क्योंकि वहाँ एक पुलिस कार खड़ी थी, लेकिन ये होइट की ही कार थी। एरिन उससे कहती है कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है और वो उसे रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो ड्राइवर उसे लूडा के गेस्ट स्टेशन तक ले जाता है। एरिन भी ट्रक से उतरकर पीछे वाले विंडो से देखती है कि होइट के साथ हेनरिएटा और वो बच्चा भी यही है। वो सभी उस ट्रक ड्राइवर की बात सुनने उसके पास जाते हैं और मौका देखकर एरिन उस बच्चे को उठा लेती है और गाड़ी में बैठ जाती है। इधर हेनरिएटा देखती है कि उसका बच्चा गायब हो गया है। होइट अपनी गन लेकर उस ट्रक के पास जाता है, लेकिन जब वो गेट ओपन करता है तो उसमें कोई नहीं था, बल्कि एरिन होइट की पुलिस कार में जाकर बैठी थी। वो कार से होइट को टक्कर मार देती है। इसके बाद वो कार को रिवर्स कर उसे फिर से कुचलती है और फिर एक आखिरी बार होइट पर गाड़ी चढ़ाती है, जिससे होइट मारा जाता है। मर गया मादर लाला। अब इसके बाद एरिन वहाँ से निकलने लगती है। रास्ते में लेदरफेस उस पर अटैक करता है, लेकिन एक हाथ से वो क्या ही कर लेगा, और एरिन उस बच्चे को लेकर उस टाउन से बाहर निकल जाती है और लेदरफेस उसे देखता रह जाता है। आखिर में हम उसी सीन को देखते हैं जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसमें कुछ पुलिस ऑफिसर ह्यूबिट हाउस को सर्च कर रहे थे। एरिन वहाँ से सीधा पुलिस के पास गई होगी और ह्यूबिट फैमिली की सारी सच्चाई उन्हें बताई होगी, इसीलिए ह्यूबिट हाउस में पुलिस आई है। लेकिन उन्हें यहाँ सिर्फ कुछ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और वेपन्स ही मिलते हैं। और एक फुटेज में हमें पता चलता है कि जो दो ऑफिसर बेसमेंट चेक करने गए थे, उन पर लेदरफेस ने हमला कर उन्हें मार दिया था। और आज तक ये केस ओपन है, किसी को नहीं पता कि लेदरफेस कहाँ गया, और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये रिबूट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो इस रिबूट टाइमलाइन की दोनों फिल्में अच्छी लगी। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि इस मूवी का अगला पार्ट 2006 में आई द बिगिनिंग इसी का प्रीक्वल था, जिसमें ह्यूबिट फैमिली की बैक स्टोरी दिखाई गई थी, इसलिए मैं उसे पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप उसे जरूर देखें।
बॉडी बिल्डर एक्टर एंड्रयू बेरांस्की ने इन दोनों ही मूवीज में लेदर फेस का रोल किया है। एंड्रयू को जब पता चला कि लेदर फेस पर फिल्म बन रही है तो वो प्रोड्यूसर माइकल बे की क्रिसमस पार्टी में गए और उन्हें पर्सनली इस रोल के लिए पूछा, लेकिन शुरुआत में ये रोल किसी दूसरे एक्टर को दिया गया था जो शूटिंग के पहले ही दिन घायल होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। इसके बाद एंड्रयू से पूछा गया और उन्होंने खुशी खुशी लेदर फेस का रोल एक्सेप्ट कर लिया और इस रोल के लिए एंड्रयू ने अपना वजन बढ़ाकर करीब 136 किलो का कर लिया था। क्रिटिक्स ने इस मूवी को नेगेटिव रिव्यूज ही दिए थे, लेकिन फिर भी ये मूवी सुपरहिट हुई थी और इसने अच्छी कमाई की थी और इसीलिए फिर फैंस की डिमांड पर इसका अगला पार्ट भी निकाला गया था। हिचहाइकर का किल सीन पूरा प्रैक्टिकल इफेक्ट से किया गया था। एक्ट्रेस ने अपने मुंह में एक एयर गन रखी हुई थी जिसमें नकली ब्लड भरा था। साथ ही एक बड़े डमी के अंदर से कैमरा निकाला गया था जिसमें कई सारे टेक्स लगे थे। पेपर की डेथ काफी ज्यादा ग्राफिक थी जिसमें लेदर फेस उसके पेट में चेनसो घुसाता है, लेकिन फाइनल कट में ये किल ऑफ स्क्रीन ही दिखाया गया। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में लेदर फेस जेट को मार देता है क्योंकि उसने एरिन और मॉर्गन को भागने दिया, लेकिन ये आइडिया ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि ये ज्यादा ही डार्क हो जाता। पेपर का रोल कर रही एक्ट्रेस अपने स्क्रीन टेस्ट के लिए इतना जोरों से चिल्लाई थी कि पास वाली बिल्डिंग के लोगों ने पुलिस बुला ली थी ये सोचकर कि किसी लड़की पर अटैक हो रहा है। बजट कम होने के कारण स्लॉटर हाउस वाले सीन में असली काउ मीट का यूज किया गया था और यह सीन जेसिका के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था क्योंकि वो खुद एक वीगन है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अब मासेकर सीरीज में सिर्फ दो पार्ट्स ही बाकी रह गए हैं, 2013 में आई टेक्सास चेंसो 3D और 2017 में आई लेदर फेस। और इसके बाद में सीधा 2017 वाली लेदर फेस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि वो ओरिजिनल मूवी का प्रीक्वल है और 2013 वाला पार्ट ओरिजिनल मूवी का ही डायरेक्ट सीक्वल है। और इसका मतलब है कि हमारा OG लेदर फेस अगले पार्ट में रिटर्न करने वाला है। तो अगली वीडियो मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले पार्ट के साथ।